Hello students, I hope all of you are fine and good. तो students आज हम start करने जा रहे हैं entomophily के कुछ और examples. दो examples हमने इससे पहले वाले class में पढ़े हैं in the form of salvia and an orchid. अब आज हम जो दो example पढ़ने जा रहे हैं या दो example के बारे में जो हम study करने जा रहे हैं discuss करने जा रहे हैं Those two examples are, one is Yucca plant. ये एक example हमारे पास है, शाबाश. And number second जो हमारे पास example है, that is Carica. Carica, या इसे हम कहते हैं fig. Fig tree या fig plant, ठीक है? अंजीर अंजीर भी कहते हैं इसको हिंदी में क्या कहते हैं अंजीर अंजीर ओके इन दोनों प्लांट्स के अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग एंटोमोफिली होता है बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से इंसेक्ट जो है वो पॉलिनेशन करेगा वही हमें पढ़ना है ठीक है चलिए देखते हैं सबसे पहला हम पढ़ेंगे युक्का प्लांट के बारे में या युक्का प्लांट को हम डिस्कस करेंगे ठीक है ओके तो याद रखिएगा युक्का प्लांट के अंदर जो फ्लावर होगा यानी हम कहेंगे उसे युक्का फ्लावर क्या कहेंगे बेटा युक्का फ्लावर अच्छा देखो इस युक्का फ्लावर को पॉलिनेट करने के लिए एक मॉथ होता है एक मॉथ होता है एक इंसेक्ट होता है तो ये उसे हम कहते हैं युक्का मॉथ यानी युक्का मॉथ जो है इसी प्लांट के नाम से उस मॉथ का नाम भी रखा गया है युक्का मॉथ या इसका टेक्निकल जो टर्म है या जूलॉजिकल नेम है उसे हम कहते हैं प्रोन्यूबा युक्का सेला दिस इज द साइंटिफिक और जूलॉजिकल और टेक्निकल नेम ऑफ युक्का मॉथ तो याद रखना इस युक्का फ्लावर के अंदर यही जो युक्का मॉथ है वो क्या करता है पॉलिनेशन करता है एंटोमोफिली करता है याद रखना इस युक्का फ्लावर और ये जो आपका युक्का मॉथ है इन दोनों के बीच में एक इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है जिसे हम कहते हैं म्यूचुअलिज्म इट मींस हमको पता है म्यूचुअलिज्म में क्या होता है दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आपस में एक ऐसा रिलेशनशिप शो करता है जिसमें वो एक दूसरे का क्या होगा डिपेंडेंट होगा एक दूसरे को बेनिफिट करता होगा उस तरीके के रिलेशन को हम क्या कहते हैं म्यूचुअलिज्म और म्यूचुअल रिलेशनशिप तो याद रखना युक्का फ्लावर और युक्का मॉथ के बीच में म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप होगा और उसी म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप के दौरान या उसके वजह से ही आपका पॉलिनेशन हो जाएगा क्रॉस पॉलिनेशन देखिए कैसे होता है हम डायग्राम के साथ समझने की कोशिश करेंगे बेटा फॉर एग्जाम्पल देखो मैं फ्लावर बनाऊंगा किसका युक्का फ्लावर का युक्का फ्लावर का मैं कोशिश करूंगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाने के मान लीजिए ये आपका युक्का फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है याद रखो शाबाश तो ये उसका मान लीजिए थैलेमस है ये उसका क्या है थैलेमस है अब देखिए क्या होता है इसके अंदर इस ओवरी के अंदर ये आपका क्या है ओवरी के अंदर क्या चीज प्रेजेंट होता है शाबाश प्लेसेंटा पे आपका क्या चीज प्रेजेंट होता है आपका प्रेजेंट होता है ओव्यूल्स तो याद रखिए यहां बहुत सारे ऐसे ओव्यूल्स प्रेजेंट होंगे ऐसे ओव्यूल्स प्रेजेंट होंगे बहुत सारे ओव्यूल्स ऐसे प्रेजेंट होंगे याद रखिए ठीक है ऐसे बहुत सारे ओव्यूल्स इसके अंदर प्रेजेंट होगा अब क्या करता है ये जो युक्का मॉथ है ये युक्का मॉथ डिफरेंट युक्का प्लांट के फ्लावर के ऊपर चला जाता है और जाकर डिफरेंट फ्लावर के एंथर से क्या करता है एंथर से पॉलन ग्रेन कलेक्ट करता है पॉलन ग्रेन क्या करता है कलेक्ट करता है मान लीजिए हमारे पास ये है युक्का मॉथ ये युक्का मॉथ जो है वो डिफरेंट
युक्का फ्लावर के एंथर तक चला गया और यहां पे जो पॉलन ग्रेन प्रेजेंट होता है उस पॉलन ग्रेन को हर फ्लावर से या हर एंथर से पॉलन ग्रेन को कलेक्ट करता है और उस पॉलन ग्रेन का एक बॉल बनाता है, यानी बहुत सारे पॉलन ग्रेन ऐसे जमा करके अपने बॉडी के ऊपर वो क्या बनाएगा, पॉलन ग्रेन्स का, युक्का फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स का बॉल बनाएगा ऐसे। और वो कैसे यानी वो कलेक्ट करता है, याद रखना इनके पास, किसके पास, युक्का मॉथ के पास इस तरीके के टेंटेकल्स होते हैं, उन्हीं टेंटेकल्स की मदद से ही वो टेंटेकल्स जो है वो हेल्प्स इन कलेक्टिंग पॉलन ग्रेन ऑफ युक्का फ्लावर, युक्का फ्लावर का पॉलन ग्रेन को कलेक्ट करने में उस मॉथ का प्रोनोबा युक्का सेला या जिसे हम युक्का मॉथ कहते हैं उसका टेंटेकल उसको हेल्प करता है उस पॉलन ग्रेन को कलेक्ट करने में। अब जितने भी एंथर पे चला गया वो पॉलन ग्रेन उसने कलेक्ट किया, कलेक्ट करने पर फिर क्या होता है, टेंटेकल्स की मदद से जब वो कलेक्ट करता है तो अपने बॉडी के सरफेस पे वो पॉलन का बॉल बनाता है, क्या बनाता है, पॉलन का बॉल। ये हो गया पॉलन कलेक्शन की अगर आप बात करें, लेकिन याद रखना पॉलन कलेक्ट करने से पहले यही जो युक्का मॉथ है वो क्या करता है, वो इस युक्का फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का जो ओवरी है उस ओवरी के अंदर होल बनाता है ऐसे, दे बोर अ होल इन टू द ओवरी ऑफ व्हाट, युक्का फ्लावर। युक्का फ्लावर के ओवरी में क्या करेगा, यानी ये ओवरी है इस तरीके से, इस ओवरी के अंदर इस तरीके से वो क्या करेगा, सुराख करेगा। किसलिए सुराख करता है, क्योंकि आपका युक्का मॉथ क्या करता है, वो जाकर इस, फिर सुराख बनाने के बाद क्या करता है, युक्का मॉथ अंदर चला जाएगा और अंदर जाकर इसके अंदर वो क्या ले करेगा, अपना एग ले करेगा। इस एग लेइंग को हम कहते हैं ओवी पोजिशन, क्या कहते हैं बेटा, याद रखना ओवी पोजिशन। ओवी पोजिशन मीन्स एग लेइंग ऑफ युक्का मॉथ इन द ओवरी ऑफ युक्का फ्लावर। युक्का फ्लावर के ओवरी के अंदर एक तो सुराख करता है, सुराख करने के बाद अंदर जाके क्या करता है, एग ले करता है। तो याद रखना दिस इज द एग, दिस इज द एग ऑफ युक्का मॉथ, एग ऑफ युक्का मॉथ। याद रखना पॉलन कलेक्ट करने से पहले पहले वो क्या करेगा, ओवरी के अंदर सुराख करेगा, होल करेगा, होल करने के बाद अंदर वो क्या करता है, अपना एग ले करता है ताकि कोई एनिमी आके उसके एग को खाए ना। अब क्या करता है, जो ही एग ले करना खत्म हो गया जल्दी से वो यहां से निकल जाएगा, हर युक्का दूसरे युक्का प्लांट के हर फ्लावर के एंथर पे चला जाएगा, वहां से अपने टेंटेकल्स की मदद से पॉलन ग्रेन कलेक्ट करेगा, पॉलन ग्रेन का एक बॉल बनाएगा और ले आकर उस पॉलन ग्रेन को डिपॉजिट करेगा, उस पॉलन ग्रेन को लाके ये जो है रास्ता जो है वो सील करता है ऐसे। यहां पे पॉलन ग्रेन वो क्या करता है, डिपॉजिट करता है ऐसे। इसका मतलब क्या करता है, वो अपने एग्स को बचाना चाह रहा है ताकि अपने पॉपुलेशन को बढ़ाए, समझ में आ रही है। अब देखो एग ले करने के बाद पॉलन ग्रेन को कलेक्ट किया और उसको ले आके ये जो सुराख है उसके एंट्री को बंद कर दिया, उस सुराख के एंट्री को क्या कर दिया, बंद कर दिया। जब एंट्री को बंद किया अब अंदर आपका एग प्रेजेंट है, देखो अब क्या होता है, शाबाश, ये जो आपका एग होगा वो धीरे धीरे हैच हो जाएगा, एग हैचिंग हो जाएगा ना, और उससे आपका लार्वी बनेगा। याद रखना वो लार्वी जब आपका बनता है और वो लार्वी धीरे धीरे क्या हो जाता है, जब बड़ा हो जाता है, जब नया मॉथ का छोटा सा बच्चा बनने लगता है, वो लार्वी एक्चुअल में फील करता है इस ओवरी के अंदर छोटे मोटे बाकी जो टिश्यूज है और थोड़ा बहुत जो ओवरी, और बहुत, क्योंकि ओवरी बहुत सारे होते हैं, एक या दो नहीं होगा, बहुत सारे ओवरी होते हैं,
सॉरी ओव्यूल होते हैं, याद रखना ओव्यूल की बात कर रहे हैं हम। इस ओवरी के अंदर ओव्यूल बहुत सारे होंगे, तो ये जो आपका एग हैचिंग के बाद लार्वा जो बनेगा या लार्वी जो बनेगा, वो लार्वी एक्चुअल में फीड्स अपॉन किस पे फीड करता है, फीड्स अपॉन टिश्यूज ऑफ ओवरी एंड ऑल्सो सम ओव्यूल्स, कुछ ओव्यूल्स पे भी वो क्या करता है, फीड करता है। उसी दौरान ये पॉलन ग्रेन अब अंदर पहुंच जाता है, और वो पॉलन ग्रेन जब आपका अंदर पहुंचेगा तो जाहिर सी बात है यहां पे अब आपका क्या हो जाएगा, पॉलन ग्रेन के अंदर जो गैमेट है और वो पॉलन ग्रेन जो है आपके ओव्यूल तक पहुंच जाएगा। इस तरीके से आपका पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो गया, ओव्यूल तक आपका पहुंच गया। तो यहां पे दो चीजें हो रहा है, देखो हमने क्या कहा था, म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप होगा, म्यूचुअलिज्म होगा। मौत को क्या फायदा मिल रहा है, मौत को ओविपोजिशन का जगह मिल रहा है, सेफ्टी मिल रहा है अपने लार्वी को बनने में, ठीक है, उसके लिए फायदा यह हो गया। फ्लावर उसको फायदा क्या दे रहा है, ओविपोजिशन के लिए जगह दे रहा है। अब उसके बदले में मौत फ्लावर को क्या कर रहा है, मौत फ्लावर को पॉलिनेट कर रहा है। तो इट मींस दीज आर डिपेंडेंट अपॉन वन अनदर फॉर पॉलिनेशन एंड ओविपोजिशन, दोनों के लिए फायदेमंद हो रहा है। That is why it is called as mutualistic relationship between yucca flower and yucca moth. और एक चीज याद रखना, शाबाश, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है। देखो एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं बता रहा हूं, यूक्का जो मॉथ होता है, फीमेल यूक्का जो मॉथ होता है, वो फीमेल यूक्का मॉथ जो है वो क्या करता है, पॉलन ग्रेन को इसके अंदर यानी एंट्री को क्लोज करने के बाद, डिपॉजिट करने के बाद, वो इसके सरफेस पे कुछ केमिकल छोड़ता है। ये जो एंट्री होगा वहां पे क्या करता है, केमिकल छोड़ता है। क्या कहते हैं उस केमिकल्स को, हम फेरोमोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फेरोमोन्स। अब ये जो फेरोमोन वो फीमेल मॉथ जो रिलीज करके जाता है, उस वजह से क्या होता है, दूसरा अगर कोई फीमेल मॉथ इस वाले ओवरी पे होल करने के लिए आना चाहेगा, तो इस फेरोमोन के स्मेल की वजह से वो दूसरा जो मॉथ है वो वहां पे नहीं आएगा, क्योंकि उसको उसी स्मेल से पता चलेगा कि यहां पे पहले ही किसी फीमेल मॉथ ने अपना एग जो है वो डिपॉजिट किया हुआ है, इसलिए मुझे वहां नहीं जाना चाहिए। तो इसी फेरोमोन्स की स्मेल की वजह से वो आपका मॉथ जो है वो वहां पे कोई भी होल नहीं बनाता है, वहां तक नहीं जाता है। This is the best example of entomophily and adaptation in flowers to do entomophily or cross pollination by means of insect. ये पहला example हमारे पास हो गया। I hope आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। Next हमारे पास example क्या है बेटा, Next जो example हमारे पास है that is in the form of fig. शाबाश, फिक या जिसको हम कहेंगे कैरिका। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है, बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे पास ये भी, दैट इज योर कैरिका और फिग प्लांट, अंजीर जिसको हम कहते हैं, अंजीर, ठीक है, ओके। अंजीर जो होता है इसके अंदर जो पॉलिनेशन करता है, इस प्लांट के अंदर जो पॉलिनेशन करता है, पॉलिनेटेड बाय अ वैस्प, एक वैस्प जो होता है वो क्या करता है कैरिका के अंदर या फिग के अंदर पॉलिनेशन करता है। उस वैस्प का एक टेक्निकल नेम भी है, उसको क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, This wasp is also called as blastophaga. क्या कहते हैं बेटा, blastophaga, याद रखिएगा ये। अब देखिए, याद रखो शाबाश, बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। कैरिका के अंदर याद रखो ये, कैरिका के अंदर जो इनफ्लोरेसेंस होता है वो थोड़ा सा स्पेशल टाइप होता है, याद रखिए। देखो कैरिका के अंदर जब आप उसके रिसेप्टेकल को देखेंगे, फ्लावर के थैलेमस को या रिसेप्टेकल को देखेंगे, वो रिसेप्टेकल क्या होता है,
कुछ इस तरीके का होता है, उसे हम कहते हैं इस तरीके का रिसेप्टेकल होता है, उसे हम इस तरीके के रिसेप्टेकल को, इस तरीके के इनफ्लोरेसेंस को हम कहते हैं हाइपैंथोडियम। क्या कहते हैं? हाइपैंथोडियम। अब देखो इसका मतलब बता, हम सबको पता है, देखो शाबाश, फ्लावर के अंदर सबसे पहले क्या होता है, ये इस तरीके से थैलेमस होता है और इस थैलेमस के ऊपर यूजुबस है, ये इस तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और इसी के ऊपर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ऐसे होता है ना। लेकिन यहां कैरिका के अंदर क्या होगा, ये थैलेमस जो है वो बहुत ज्यादा ग्रो किया होगा इस तरीके से, ठीक है। हमने एक फ्लावर के टाइप पे भी पढ़ा था, एपिगाइनी हाइपोगाइनी और पेरिगाइनी वाला जो टाइप हमने पढ़ा था, उस तरीके उस टाइप पे भी मैंने कहा था हाइपैंथियम या हाइपैंथोडियम दोनों सेम चीज है। अब देखो ये इस तरीके से जब आपका, तो इसका मतलब ये जो आपका थैलेमस है ये एक्चुअल में क्या कर रहा है, इस तरीके से ग्रो कर रहा है। इसके अंदर फ्लावर जो है, फ्लावर की जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो इसके अंदर प्रेजेंट होगा। वो कैसे, देखो शाबाश, याद रखना शाबाश, इस हाइपैंथोडियम या इस रिसेप्टेकल जो कि ग्रो किया हुआ है, इसके इस वाले पोर्शन में, इसके अंदर आपके मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होगा। लेकिन वो कैसे होगा, याद रखना, ऊपर की तरफ यहां पे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, ऐसे एंथर फिलामेंट इस तरीके से, यहां पे दीज आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, याद रखिएगा शाबाश, ये दीज आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो कहां पे प्रेजेंट होता है, वो बिल्कुल बॉटम पे, यानी लोअर वाली पोजीशन पे, इसके अंदर, यहां पे आपका क्या प्रेजेंट होगा, फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा वो प्रेजेंट होगा, ऐसे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऐसे प्रेजेंट होगा। ओके, ये क्या हो गया आपका, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके, मैं इसको यहां पे लेबल कर रहा हूं बेटा शाबाश, मैं यहां पे इसको लेबल कर रहा हूं, दीज आर ये जो है आपके क्या है, मेल पार्ट एंथर फिलामेंट, और नीचे जो ये क्या आपका है, याद रखना, दिस इज द फीमेल पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये। और याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है शाबाश, इन्हीं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मींस ये वाला पोर्शन की हम बात कर रहे हैं, इसके बात कर रहे हैं, ठीक है। इन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बीच में एक और हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, लेकिन वो स्टेराइल होता है, याद रखो शाबाश। मैं यहां पे ब्लू में बना रहा हूं, देखो सॉरी, मैं ब्लैक में बना रहा हूं इस पे, इनके बीच में, याद रखना, इनके बीच में कुछ और फ्लावर्स होंगे, वो फ्लावर्स, याद रखिए, वो फ्लावर्स फर्टाइल नहीं होगा बल्कि क्या होगा, स्टेराइल होगा। याद रखना, मेल जो पार्ट है ये आपका फर्टाइल होता है, और फीमेल जो पार्ट है वो भी आपका क्या होता है, नॉर्मल आपका, ये भी फर्टाइल होता है। लेकिन इन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बीच में कुछ और स्पेशल टाइप ऑफ फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम कहते हैं, मैं यहां पे इसको डिनोट कर रहा हूं, जिनको हम कहते हैं गॉल फ्लावर। इनको क्या कहते हैं बेटा, गॉल फ्लावर। और ये गॉल फ्लावर क्या होता है आपका, स्टेराइल होता है, क्या होता है, स्टेराइल होता है। इस तरीके के इन्फ्लोरेसेंस जो कि आपके फिग में या कैरिका में प्रेजेंट होता है, इस इन्फ्लोरेसेंस को हम कहते हैं क्या, क्या कहते हैं, हाइपैंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस। मैं यहां पे लिख रहा हूं बेटा, दिस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इज कॉल्ड एज हाइपैंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस। क्या कहते हैं बेटा, हाइपैंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस। अब याद रखो, मैं थोड़ा सा गॉल फ्लावर जो है उसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना रहा हूं। गॉल फ्लावर कैसे होते हैं, देखो शाबाश,
जो कि स्टेराइल की हम बात कर रहे हैं, कोई भी इसके अंदर गैमेट ऐसा कुछ बनेगा ही नहीं, कोई किसी काम का नहीं है। ये जो गॉल फ्लावर होता है इसका स्ट्रक्चर जब आप देखेंगे, इसका ये ओवरी हो गया, लेकिन उसका जो क्या कहते हैं स्टाइल जो होता है वो नॉर्मल में हमारा स्टाइल कहां पर प्रेजेंट होता है, इसके जस्ट ऊपर इस तरीके से होता है ना, ऐसे होता है। लेकिन गॉल फ्लावर के केस में जो स्टाइल प्रेजेंट होगा वो होता है लेटरल वाली पोजिशन में, थोड़ा सा इस तरीके से आपका क्या होगा स्टाइल प्रेजेंट होगा, ऐसे ऐसे स्टाइल प्रेजेंट होता है। अब क्या करता है बेटा, इसको सही से समझने की कोशिश करो। आपका वैस कहीं से उठ के आ जाएगा, क्यों आ जाता है वो मान लीजिए, ये आपका वैस जो है वो यहां से मान लीजिए ये आपका वैस है, वो वैस यहां से अंदर एंट्री किया, ठीक है। एंट्री के दौरान अब याद रखना ये जो ओपनिंग होता है इस ओपनिंग को हम कहते हैं ऑस्टिया, है ना, ये हाइपेंथोडियम है। हाइपेंथोडियम का ये जो ओपनिंग होता है वो इतना ज्यादा वाइड नहीं होता, इतना ज्यादा चौड़ा नहीं होता, बहुत ही तंग होता है। यहां पे हम बना रहे हैं तो थोड़ा सा आपको चौड़ा लग रहा है, लेकिन ये बहुत ही क्या होता है, तंग ही होता है, ऑस्टिया जिसे हम कहते हैं। इस ऑस्टिया, इस ओपनिंग के थ्रू आपका ये अंदर एंट्री करेगा, कौन, आपका ये जो वैस्प है जिसको हमने कहा ब्लास्टोफेगा, वो यहां से जब एंट्री करता है तो उसका बॉडी जो है उसके ऊपर क्या लग जाता है, यहां से पोलन, मान लीजिए वो यहां पे पहुंचा तो पोलन ग्रेन जो है वो इन एंथर से, क्योंकि ये मेल फ्लावर है ना, उस मेल फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन इसके बॉडी पे इस तरीके से लग जाता है, इस तरीके से, ठीक है। और जब अंदर जाता है वो किस लिए जाता है, इस गॉल फ्लावर के ये जो डिप्रेशन है, इस डिप्रेशन के अंदर, इस डिप्रेशन के अंदर पहुंचकर वो क्या करता है, आता है बिल्कुल नीचे चला जाता है, ये जो गॉल फ्लावर के पास चला जाता है और जाकर इस डिप्रेशन के अंदर अपना एग जो है वो एग ले करता है, इस तरीके से एग ले करता है। इस एग लेइंग को हम क्या कहते हैं, ओवी पोजिशन, क्या कहेंगे बेटा, ओवी पोजिशन। तो आपका वैस्प जो है वो अंदर जा क्यों रहा है, बिकॉज उसको क्या करना है, एग ले करना है, ओवी पोजिशन करना है, एग लेइंग करना है, ठीक है, क्या करना है बेटा, एग लेइंग करना है, ओवी पोजिशन के अंदर चला गया। लेकिन उसी दौरान क्या हुआ, यहां से जितने भी पॉलन ग्रेन इसके ऊपर था, इनको बॉडी के टच, यानी इनके साथ बॉडी का टच होने की वजह से पॉलन ग्रेन उस वैस्प के बॉडी पे लग जाता है और यहां से निकला, अंडा दे दिया, यहां पे ओवी पोजिशन कर लिया, निकल जाता है, फिर किसी दूसरे यानी फ्लावर के अंदर चला जाता है, तो दूसरे फ्लावर के अंदर जब चला जाएगा फिर वो अंदर घुसेगा ना, तो फिर उसके बॉडी पे जो भी पॉलन ग्रेन था वो पॉलन ग्रेन इसके स्टिग्मा तक इस तरीके से क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। तो वैस्प के द्वारा पॉलिनेशन भी हो रहा है और साथ में उस वैस्प के लिए फायदा क्या हो रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रोसेस हो रहा है, ओवी पोजिशन हो रहा है, अपना एग जो है वो क्या कर रहा है, ले कर रहा है। बाद में ये जो एग्स हैं, ये जो एग्स हैं वो एग्स क्या हो जाएगा, ये हैच हो जाएगा, हैच एंड लार्वी बनाएगा, और लार्वी जब बनता है वो लार्वी क्या करता है बेटा, फीड्स अपॉन व्हाट, गॉल फ्लावर। इस गॉल फ्लावर पे आपका क्या करता है, वो फीड करता है गॉल फ्लावर, तो उसको अंदर क्या मिल रहा है, खाना मिल रहा है। तो यहां पे भी ये क्या है, एक म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है, ठीक है। तो इस, क्योंकि गॉल फ्लावर का कोई काम नहीं है ना, ये क्या है, स्टेराइल है, कोई भी गैमेट्स प्रोड्यूस नहीं करेगा, तो इस तरीके से वैस जो आपका ब्लास्टोफेगा है वो आपके कैरिका के अंदर इतना इंटरेस्टिंग तरीके से पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन करता है, एंटोमोफिली करता है। तो बच्चों यहां पे हमारा एंटोमोफिली जो है वो कंप्लीट होता है, खत्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वाले क्लास में वी विल टॉक अबाउट ऑर्निथोफिली, बर्ड पॉलिनेशन, फिर इसके बाद हमारे पास कायरेप्टेरोफिली, बैट पॉलिनेशन है, वो थोड़ा सा हमें डिटेल में पढ़ना है। एंड आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।
and have a nice day.